नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरुणा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का टाइटल है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये केवल बीए पार्ट फर्स्ट के लिए नहीं, बल्कि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं वगैरह देते हैं तो सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विभिन्न प्रकार की बाजार व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, द्वयाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिताएं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता आदि। इनमें किस तरह उत्पादन और रोजगार का निर्धारण होता है, ये अलग अलग तरीके से निर्धारित होता है। आज हम पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य और उत्पादन निर्धारण की चर्चा करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में, पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है, जिससे किसी एक विक्रेता का उत्पादन उस वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही थोड़ा भाग होता है तथा दूसरे सभी ग्राहक प्रतियोगी विक्रेताओं के मध्य चुनाव करने की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। इसका मतलब यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे विक्रेता होते हैं और इसलिए वो कुल उत्पादन के बहुत थोड़े थोड़े भाग को उत्पादित करते हैं, इसलिए उनका मार्केट में अंश बहुत कम होता है और कोई भी एक विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। कीमत सभी विक्रेताओं के जो सामूहिक पूर्ति और मार्केट की जो डिमांड होती है उसके अनुसार निर्धारित होती है। महत्वपूर्ण बात जो आपको समझने की यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन एक एक व्यक्तिगत इकाई को हम फर्म कहते हैं और सभी व्यक्तिगत इकाइयों के समूह को उद्योग या इंडस्ट्री कहा जाता है। और जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत और उत्पादन का निर्धारण होता है वो इंडस्ट्री की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक एक व्यक्तिगत फर्म के लिए कीमत निर्धारण नहीं हो पाता है और सभी को जो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत होती है उस पर वो जितना मात्रा में चाहे माल बेच सकती है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, उद्योग और फर्म के मध्य हमने मूल्य संबंध बताया है। पहला फर्स्ट उद्योग का डायग्राम है जिसमें उद्योग की मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है और वो कीमत AR और MR कर्व के लिए फर्म के लिए दी हुई है। अगर उद्योग की मांग बढ़ जाती है तो कीमत भी बढ़ जाती है और फर्म बढ़ी हुई कीमत पर माल बेच सकती है। इस तरह से इनमें आपस में संबंध होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म के लिए मांग वक्र या कीमत वक्र AR MR कर्व एक क्षैतिजीय रेखा के रूप में होता है, क्योंकि वो कीमत निर्धारक नहीं होती है, कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म व उद्योग का साम्य। सैमुएलसन के शब्दों में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म उसे कहते हैं जो जितनी मात्रा में चाहे उत्पादन प्रचलित बाजार मूल्य पर बेच सकती है पर उसमें बाजार मूल्य में वृद्धि या कमी करने की क्षमता नहीं होती। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बहुत सी प्रतिस्पर्धी फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। इस प्रकार उद्योग समूह को व्यक्त करता है जबकि फर्म इस समूह की एक इकाई मात्र होती है। अब हम लेते हैं फर्म का साम्य। फर्म के साम्य को ज्ञात करने के दो दृष्टिकोण हैं। फर्स्ट है कुल लागत व कुल आगम वक्र विधि। इसमें TR और TC के मध्य गैप के आधार पर कुल लाभ का मूल्यांकन होता है और जहां कुल लाभ अधिकतम होता है वहां पर फर्म उत्पादन निर्धारित करती है। जैसा ये डायग्राम आपको शो कर रहा है,
कि इसके अंदर हमने टी आर कर्व बनाया है, टी सी कर्व बनाया है। ये दो जगह पर टी सी कर्व टी आर कर्व को काट रहा है, एक एल बिंदु पर और एक एम बिंदु पर। ये दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स कहलाते हैं, जहाँ पर टी आर और टी सी बराबर है। इन दोनों के अलग क्षेत्र में, यानी इन दोनों पॉइंट से पहले और बाद में न्यूनतम हानि के बिंदु हैं ये, और इनके पहले और बाद में उत्पादक को हानि होती है। जबकि एल एम कर्व एरिया यानी क्यू वन से क्यू थ्री तक का एरिया लाभ का क्षेत्र है। इसमें हम देख रहे हैं ए बी सबसे ज़्यादा गैप है, अर्थात ओ क्यू टू पर लाभ अधिकतम है, तो उत्पादक उस स्थिति में संतुलन की स्थिति में रहेगा। लेकिन ये विधि थोड़ी सी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रति इकाई लागत को प्रति इकाई लाभ को ज्ञात करना मुश्किल होता है। इसलिए अधिकतर दूसरे मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सीमांत आगम या लागत, सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। इसके अंतर्गत हम टी आर और टी सी की जगह हम लेते हैं इसमें एम आर और एम सी। एम आर कैसे निकाली जाती है? टोटल जो टी आर में चेंज है उसको हम क्वांटिटी में चेंज से हम उसको डिवाइड करते हैं, तो हमें एम आर ज्ञात होती है। मार्जिनल कॉस्ट को ज्ञात करने के लिए डेल्टा टी सी में चेंज, यानी डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू के आधार पर मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाती है। जहाँ पर इसके लिए शर्तें क्या जरूरी है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए, और संतुलन के बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती हुई होनी चाहिए, न कि घटती। जैसा आपको ये डायग्राम शो कर रहा है, इसमें ए आर एम आर और पी फर्म के लिए एक क्षैतिजीय रेखा के रूप में है। इस पर फिर एम आर वाली लाइन को मार्जिनल कॉस्ट कर्व दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक तो एल बिंदु पर और एक ई बिंदु पर। एल बिंदु न्यूनतम हानि का बिंदु है, ई बिंदु अधिकतम लाभ का बिंदु कहलाएगा, क्योंकि इस पर दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती है। एम आर इज इक्वल टू एम सी भी है और एम सी इस बिंदु पर बढ़ता हुआ है। तो उत्पादन का विस्तार Q1 से Q2 की सीमा के बीच में है, यहाँ पर दोनों शर्तें ई बिंदु पर पूरी हो रही है, तो उत्पादक संतुलन की स्थिति में ओ क्यू टू पॉइंट पर या ई पॉइंट पर होगा, और ऐसी स्थिति में उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में अब हम अल्पकाल में फर्म का साम्य देखते हैं। इसके पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। कॉस्ट का प्रति इकाई लागत का निर्धारण हमेशा एवरेज कॉस्ट कर्व के आधार पर होता है, कीमत का निर्धारण हमेशा ए आर कर्व के आधार पर होता है, और मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ बराबर होते हैं वहाँ संतुलन का निर्धारण होता है, बशर्ते कि उस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ होना चाहिए। तो इन सब के आधार पर फिर जितना प्राइस और कॉस्ट में अंतर रह जाता है उसके आधार पर हम लाभ, सामान्य लाभ, हानि की स्थिति को देखते हैं। अल्पकाल में जब हम साम्य की बात करते हैं, तो अल्पकाल वह स्थिति होती है जिसमें सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, केवल एक या दो साधन ही परिवर्तनशील होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब फर्म मांग के अनुरूप साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकती है, तो उसे संतुलन की स्थिति में सामान्य लाभ, हानि और असामान्य लाभ, तीनों स्थितियां हो सकती है, जैसा कि ये तीनों डायग्राम आपको शो कर रहे हैं। फर्स्ट वाला डायग्राम देखिए, असामान्य लाभ की स्थिति को बता रहा है। दोनों संतुलन की स्थिति यानी एम आर इज इक्वल टू एम सी और एम सी बढ़ती हुई हो, वो ए पॉइंट पर पूरी हो रही है। ए पॉइंट पर ओ पी कीमत है और ओ क्यू प्रोडक्शन है। एवरेज कॉस्ट कर्व इसके नीचे है, तो उसके आधार पर ए बी या पी सी प्रति इकाई लाभ प्राप्त हो रहा है, कुल लाभ प्राप्त हो रहा है सी पी ए बी के बराबर। ये असामान्य लाभ है, क्योंकि कॉस्ट कम है और एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है।
सेकंड वाले डायग्राम में आप देखिए सामान्य लाभ की स्थिति है। इस पर ए बिंदु पर संतुलन की शर्तें पूरी हो रही है, एवरेज कॉस्ट भी उतनी ही है, अतः न प्रॉफिट न लॉस की स्थिति है। सामान्य लाभ हमेशा कॉस्ट में शामिल होता है। तीसरे डायग्राम में आप देखिए संतुलन की स्थिति ए पॉइंट पर पूरी हो रही है, जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती हुई है, लेकिन एवरेज कॉस्ट उससे ऊपर है, तो प्रति इकाई बी ए के बराबर हानि हो रही है। कुल हानि सी बी ए पी के बराबर है। अल्पकाल में तीनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है, सामान्य लाभ, हानि या असामान्य लाभ। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर फर्म को हानि हो रही है तो तब भी क्या वह उत्पादन जारी रखेगी? अल्पकाल में फर्म हानि उठाकर भी क्या उत्पादन जारी रखेगी? इसके लिए हमें ये समझना है कि एवरेज कॉस्ट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जब उत्पादक कुछ समय के लिए उत्पादन बंद करता है तो उसे स्थायी लागत तो वहन करनी ही होती है, जैसे भवन का किराया हो गया, लाइट का खर्चा आदि। लेकिन अगर वो उत्पादन बंद करने का कुछ समय के लिए निर्णय लेता है तो वो श्रमिकों की छटनी कर सकता है और कई तरह के रेकरिंग अमाउंट कम कर सकता है, तो उस स्थिति में उसको वो कॉस्ट कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर अल्पकाल में उत्पादन बंद किया जाता है तो केवल वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, फिक्स्ड कॉस्ट तो उसे वहन करनी ही होती है। इसलिए उत्पादक उत्पादन करेगा या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक अगर प्राप्त हो रही है तो वो उत्पादन जारी रखता है, अन्यथा उत्पादन बंद करने का निर्णय लेता है। देखिए इस वाले डायग्राम में आपको चार प्राइस लाइन या चार AR P1 P2 P3 P4 बताए गए हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया हमने और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाया है। सबसे पहले मान लेते हैं हम वो P4 पर P पॉइंट पर है। उस स्थिति में आप देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे रह गया तो उसे असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है PQ के बराबर। मान लीजिए प्राइसेस कम होती है मार्केट की कंडीशन के अनुसार और वो ओ बिंदु पर संतुलन की स्थिति में आ जाता है, जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर हो जाते हैं, तब उसे सामान्य लाभ प्राप्त होगा। अब और प्राइसेस कम होती है तो संतुलन की स्थिति आती है एंड पॉइंट पर। एंड पॉइंट पर देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर रह गया तो उसे हानि हो रही है, लेकिन उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर उसकी कीमत है, तो यानी उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त हो रही है, तो यहाँ तक वो उत्पादन जारी रख सकता है। नेक्स्ट उसके बाद और कीमत कम होती है तो वह एम पॉइंट पर आता है। एम पॉइंट पर देखिए उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी प्राप्त नहीं हो रही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वह कुछ समय के लिए उत्पादन बंद रखेगा और मार्केट की कंडीशन को फेवरेबल होने का इंतजार करेगा। तो पहली स्थिति में पी पॉइंट पर असामान्य लाभ, ओ पॉइंट पर सामान्य लाभ, एन पॉइंट पर न्यूनतम हानि, एम पर अतिरिक्त हानि। तो इसलिए M को हम उत्पादन बंद का बिंदु कहते हैं, क्योंकि N को सॉरी क्योंकि उसके बाद वह उत्पादन को जारी नहीं रखेगा और M बिंदु तक नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये उत्पादन शट डाउन पॉइंट कहलाता है, एंड पॉइंट, जहाँ तक वह उत्पादन जारी रख सकता है। ये तो हमने देखा फर्म का साम्य। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अल्पकाल में उद्योग की साम्य अवस्था। अल्पकाल में उद्योग की साम्य अवस्था इस चीज़ पर निर्भर करेगी कि उद्योग का मांग वक्र और पूर्ति वक्र जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर संतुलन की स्थिति में आएगी। अल्पकाल में उद्योग का मांग वक्र किस चीज़ से निर्धारित होगा? विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ताओं की कुल मांग के योग से। और पूर्ति निर्धारित होगी कि अल्पकाल में जो फर्म्स कार्यरत हैं उन फर्म्स ने कितना कितना प्रोडक्शन किया है, उसके टोटल से हम कुल पूर्ति का निर्धारण करते हैं।
और जहाँ मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर संतुलन की स्थिति होगी। देखिए इस वाले डायग्राम को, इसमें हमने लेफ्ट साइड में उद्योग का संतुलन बताया और राइट साइड में उससे संबंधित एक प्रतिनिधि फर्म का संतुलन लिया। उद्योग में तीन मांग वक्र D1, D2, D3 लिए गए हैं क्योंकि ये अल्पकालीन साम्य है, इसलिए इसमें सप्लाई में चेंज नहीं हुआ है। SS सप्लाई कर्व है। प्रारंभिक संतुलन OP1 कीमत पर A बिंदु पर, तो उसी के अनुसार AR1 और MR1 फर्म के लिए दिए हुए हैं। L बिंदु पर संतुलन होता है जहां MR इज इक्वल टू MC है। P2 पर अगर मान लीजिए उद्योग की मांग बढ़ जाती है, डिमांड का ऊपर शिफ्ट हो जाता है, उद्योग में B बिंदु पर संतुलन और फर्म के लिए E बिंदु पर संतुलन, जहां उसे सामान्य लाभ की स्थिति में फर्म संतुलन में है। अगर मांग बढ़ती है, P3 पर कीमत बढ़ जाती है, C बिंदु पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं, तो उसके अनुरूप OP3 फर्म के लिए कीमत दी हुई है जहां AR3 और MR3 उसके बराबर हैं। वहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व N बिंदु पर MR3 को काटता है, N बिंदु पर संतुलन होता है। वहाँ हम देखते हैं OX3 प्रोडक्शन होगा और असामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो यानी पहले OP3 पर असामान्य लाभ NQ के बराबर, OP2 कीमत पर E बिंदु पर संतुलन सामान्य लाभ, कीमत और कम होती है L बिंदु पर संतुलन लेकिन इस पर LP1 के बराबर फर्म को हानि हो रही है क्योंकि AR कम रह गई AC की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में हमने ये फर्म और उद्योग के लिए अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में देखी, जिसमें हमने देखा कि उद्योग द्वारा संतुलन का निर्धारण होता है और उस सामान्य साम्य कीमत पर फर्म जितनी चाहे मात्रा में उत्पादन को बेच सकती है। अल्पकाल में उसे हानि भी हो सकती है, सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है और असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में वह हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त करती है। दीर्घकालीन साम्य का विश्लेषण हम कल इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उस क्रम में करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से लर्न करिए, अच्छी तरह से अल्पकालीन संतुलन को समझने की चेष्टा कीजिए। धन्यवाद।